करेला की सब्जी बनाएंगे। करेला ऐसा छोटा छोटा काट लेते हैं। ये करेला वाइट कलर का है, थोड़ा लाइट ग्रीन है। तो इसके लिए टमाटर, अदरक और ग्रीन मिर्ची को पीस लेना है। पहले करेला को छोंक लगाएंगे, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा तेल पड़ता है। तेल डाला है, जीरा, हींग, ये पेस्ट वाला हींग है इसलिए पाउडर नहीं है, थोड़ा सा हींग, कड़ी पत्ता, अभी इस करेला को डाल रहे हैं। अच्छी तरह से घुमाएंगे इसको, थोड़ा अच्छा भूनना होता है। देखिए पहले करेला लाइट ग्रीन कलर है, अभी टमाटर, अदरक, मिर्ची मिक्सी कर लेते हैं। अच्छा मिक्सी पेस्ट करते हैं, मिक्सी हो गया। देखिए करेला थोड़ा कलर अभी चेंज हो रहा है, और भी इसको ऐसे ही भूनना है। ये करेला की सब्जी ऐसी है जो कोई भी खा सकता है, छोटे बच्चे भी खा सकते हैं। ये ऐसा भुनने से ना उसमें कड़वापन नहीं रहता है। देखिए कैसा रोज कलर हुआ है, थोड़ा सा ब्राउन, उसी तेल में ऐसा भुनते भुनते ऐसा कलर आने के बाद टमाटर डालते हैं, जो मिक्सी करके रखा था ना टमाटर वो डालते हैं। देखिए आधा स्पून हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर 1.5 स्पून, धनिया पाउडर 1 स्पून, थोड़ा सा गुड़ डालते हैं। गुड़ से क्या है, कड़वाहट मिट जाता है, कड़वा नहीं रहता है। स्वाद अनुसार नमक, नमक मिर्ची अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कोई ज़्यादा खाते हैं कोई कम खाते हैं उस हिसाब से डाल सकते हैं। देखिए इसमें से मिक्सी धोया हुआ थोड़ा पानी में डाल रही हूँ, इसको अभी थोड़ा पकने देते हैं। ये करेले की सब्जी हम ट्रैवल में ले जा सकते हैं, 2-3 दिन आराम से रहता है। देखिए पानी सारा सूख गया है। ये ठेपले के साथ, चपाती के साथ, चावल के साथ भी खा सकते हैं। करेला की सब्जी रेडी।